चार्जिंग ऑफ इंडक्टर में हमने ये देख लिया था कि किसी भी इंडक्टर को अगर आप चार्ज कराना शुरू करते हो तो टी इज इक्वल टू जीरो पर तो उसके सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता। ये मेरा सर्किट है, मान लो यहाँ पे बैटरी दी हुई है इस तरह से। टी इज इक्वल टू जीरो पे मान लो आपने बैटरी लगाई है, एल इंडक्टेंस है और आर रेजिस्टेंस है, तो क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो करने की कोशिश करता है तो इंडक्टर उसे क्या कर देता है, इजिली अपोज कर देता है और सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं होता है। यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो पर करंट इन दी ब्रांच ऑफ सर्किट क्या रहता है, जीरो रहता है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, सर्किट को ब्रेक कर सकते हो। तो T इज इक्वल टू जीरो पर इंडक्टर की ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, ये चीज हमें याद रखनी थी। फिर हमने देखा था कि T इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी काफी समय अगर हो जाए तो फिर करंट कैसा हो जाता है, उस समय पर करंट हो जाता है मैक्सिमम। इस स्टेट को हम बोलते थे स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमें मिल गई थी, मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो जाएगी V बाय R, जो भी आपके सर्किट का R इक्विवेलेंट होगा उसे यहाँ पे हम लिख देंगे। और करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी जनरल टाइम T पे अगर बोला जाए तो वो हमें मिल गया था I, ये हो जाता है I max 1 माइनस e की पावर माइनस T बाय टाओ। जहाँ ये LR सर्किट है तो इसके लिए टाओ हमने डिफाइन कर दिया था L बाय R, ठीक है ना, समझ आ रहा है। ये सिचुएशन आ गई थी। तो T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्योंकि सर्किट के अंदर करंट कैसा है, मैक्सिमम, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इंडक्टर को रिप्लेस कर सकते हो एक कंडक्टिंग वायर से। इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है ना। ये हमने कल देख लिया था। और क्या देखा था, तो और हमने देख लिया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड की मैं अगर बात करूं तो एनर्जी स्टोर्ड आ जाती है आपके पास हाफ एल आई स्क्वायर, वेयर आई इज द करंट इन द इंडक्टर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्वियसली इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी कब स्टोर्ड होगी, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा, क्योंकि तभी मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है ना। चलो इसी के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे, और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ठीक है ना, ये मान लो कि आपका सर्किट है और ये आपका 2 ओम ले लेते हैं, ये 2 ओम है, ये 4 ओम ले लो, ठीक है ना, ये भी 4 ओम, ये 2 मिली हेनरी, ये भी 2 मिली हेनरी, ये 50 वोल्ट और ये 1 ओम। तो सबसे पहले तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको बताना है करंट थ्रू बैटरी एट टी इज इक्वल टू जीरो। करंट थ्रू बैटरी एट टी इज इक्वल टू जीरो। दूसरा, करंट थ्रू बैटरी एट स्टेडी स्टेट। और तीसरा आपको बताना है टोटल मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। बताओ, उसके बाद T इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर की ब्रांच में कोई करंट नहीं जाता है तो इस ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं जाने वाला, सिमिलरली इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं जाने वाला, तो सिर्फ नीचे वाली ब्रांच बचेगी। और कुछ ऐसा सर्किट आपको दिखेगा जहां ये 50 वोल्ट है, ये आपका 1 ओम है और यहाँ पे आपका 4 ओम है। सिमिलरली T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो हमें पता है इंडक्टर कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस हो जाएगा, तो सबसे ऊपर तो 4 ओम है ही, नीचे वाले में हम देख सकते हैं इंडक्टर को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 4 ओम,
उससे नीचे वाली ब्रांच में, फिर से हमारे पास बचेगा कितना, 4 ओम, और ये बैटरी, और ये हमारे पास 1 ओम। समझ आई बात? तो ऐसा सर्किट आपको दिखने लग जाएगा t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। इसमें किसी को कोई समस्या? मैंने जो रीड्रॉ किया है बस। तो अब यहाँ पे अगर आप करंट ड्रॉ निकालने की कोशिश करो तो I की वैल्यू सिंपली हो जाएगी 50 अपॉन आपका R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट है आपका 5 ओम यानी कि 10 एम्पियर। तो t इज इक्वल टू 0 पे करंट आपका आ गया है 10 एम्पियर। सिमिलरली करंट एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी अगर बोला जाए तो करंट क्या हो जाएगा, बैटरी का EMF तो वही है 50 वोल्ट अपॉन R इक्विवेलेंट हमें चाहिए। तो 4 4 4 ये पैरेलल में है, 4/3 हो गए, 4/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 7/3। तो ये मिल जाएगा हमें 150/7 एम्पियर। तो ये हो गया आपका करंट t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर। अब अगली चीज आपसे क्या पूछी गई है, एनर्जी स्टोर्ड कब होगी मैक्सिमम, वो ऑब्वियसली होगी एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमें एनर्जी स्टोर्ड चाहिए, तो एनर्जी आप बता सकते हो सिंपली दोनों इंडक्टर्स कितने के हैं, दोनों ही इंडक्टर्स हमें दिख रहे हैं कि कितने, 2 मिली हेनरी के हैं। तो यहाँ से अगर I करंट टोटल फ्लो करके जाता है तो आप देख सकते हो इस ब्रांच में 4 ओम है, इस ब्रांच में 4 ओम है, और ऊपर भी क्या है 4 ओम है, यानी कि हर ब्रांच के अंदर 1/3 करंट फ्लो कर रहा होगा। तो दोनों इंडक्टर्स में सेम अमाउंट में एनर्जी स्टोर होने वाली है। सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हाफ L, ये तो कॉमन हो गया, I स्क्वायर, ठीक है ना, 150/7 का स्क्वायर, ये एक इंडक्टर की एनर्जी है, इनटू में 2 कर दूंगा। करंट जो है 1/3 था याद रखना, तो 1/3 करना, ये टोटल करंट था तो इनटू 3 भी नीचे आ जाएगा एक हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमें मिल रहा है 2 × 10⁻³ × 2500 / 49 जूल। इतनी एनर्जी क्या हो रही होगी, स्टोर हो रही होगी। क्लियर है क्या सबको, बताओ कोई डाउट है क्या? कोई डाउट? चलो तो एक और कर लेते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। ध्यान से करना सभी लोग। तो एक कैपेसिटर भी इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, ये आपका 4 ओम और ये बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये ले लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड, 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी, 4 ओम, ये भी 2 माइक्रोफेरेड और ये भी 2 ओम। समझ आ रही है बात? तो बस वही चीज़ें बतानी है आपको, कैलकुलेट करना है सबसे पहले करंट थ्रू बैटरी, दे रहे हैं एक सेकेंड, टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। इसे ले लो वही अपना कुछ भी 30 वोल्ट ले लो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
पहले अपना कैमरा बंद रखो यार सब लोग। मंटू जी कैमरा चालू हो जा रहा है आपका। टोटल एनर्जी नहीं बोल सकता वैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग है, मैग्नेटिक एनर्जी अलग है। फिर भी अगर वो बोल देता टोटल एनर्जी तो हाँ भाई, फिर आप ऐड करके बता देते। कल का नोट्स मैंने सेंड नहीं कर पाया, अरे वो फॉर्मेट ही गलत हो गया था, आज सेंड कर दूंगा। देख लो भाई काफी लोगों का आ गया, अच्छी बात है। टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या याद रखना था, टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर की ब्रांच में करंट नहीं जाना चाहिए। तो ये ब्रांच वेस्ट हो गई थी, ये ब्रांच भी वेस्ट हो गई क्योंकि इंडक्टर है। ऑल दो टी इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर एक कंडक्टिंग वायर बन गया होगा, पर इंडक्टर तो है ना। सिमिलरली टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर की ब्रांच में करंट नहीं जाना चाहिए, तो कैपेसिटर जिस जिस ब्रांच में है वो ब्रांचेस क्या हो गई, वेस्ट हो गई है। ये सबको क्लियर होना चाहिए था, सिंपल सी चीज़ थी। तो अब हम निकाल लेते हैं करंट क्या आ जाएगा। तो देखो टी इजिकल टू जीरो पे अगर आप करंट बताते हो, आई टी इजिकल टू जीरो पे वो हो जाएगा 30 अपन आपका आर इक्वलेंट। तो 4 और 2 पैरेलल में है, वो कितना हो जाएगा आपका 4/3, 4/3 और 1 यानी 7/3, तो ये 90/7 एम्पियर आपका आंसर आ जाता है टी इजिकल टू जीरो पे। सिमिलरली टी इजिकल टू इन्फिनिटी पे हमें करंट चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, बैटरी का एएमएफ 30 अपॉन 4 और 4 पैरेलल में 2, 2 और 1 3 10 यानी कि 10 एम्पियर करंट। तो करंट टी इजिकल टू जीरो पे है 90/3 और करंट टी इजिकल टू इन्फिनिटी पे है 10 एम्पियर। ये हो गया आपके आंसर। अब बोला गया है मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कब होती है मैक्सिमम, वो होती है मैक्सिमम एट टी इजिकल टू इन्फिनिटी, है कि नहीं है, जब मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अब कैपेसिटर असलियत में है कहाँ पे, ये देखो आप, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो कैपेसिटर्स के अंदर होगी, होगी कि नहीं होगी। अच्छा इसकी अगर मैं बात करूँ, इस ब्रांच के अंदर तो करंट जाना ही नहीं है जिसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर है, ठीक है ना। तो टी इजिकल टू इन्फिनिटी पे इसके अंदर करंट जा नहीं सकता, टी इजिकल टू जीरो पे भी इसके अंदर करंट जा नहीं रहता, तो इफेक्टिवली इसके अंदर करंट जाने ही नहीं वाला है, ठीक है ना। तो ये वाली ब्रांच जो है ये तो आपकी पूरी तरह से खराबी हो चुकी है। अच्छा इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकती है, कितनी स्टोर होगी, तो कैपेसिटर आपका यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है बस। तो यहाँ जीरो मान लो, ठीक है ना, यहाँ अगर जीरो मानते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 30 माइनस आई जो है और इनटू रेजिस्टेंस 1 ओम, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। यह आ जाएगा 120/7 वोल्ट, तो यहां का पोटेंशियल आ गया 120/7 वोल्ट। सिमिलरली यहां जीरो होगा, यहां भी होगा 120/7।
आपको तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, नहीं यहाँ का पोटेंशियल चाहिए। यहाँ का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल आएगा यहाँ से, देखना पड़ेगा आपको, करंट यहाँ पे स्प्लिट होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन, करंट यहाँ पे क्या होने वाला है, स्प्लिट होने वाला है। देखो तो यहाँ से करंट आपका आई आया है, यहाँ पे कुछ करंट जाएगा क्या, आई वन। खैर टी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, उसमें तो इसके अंदर करंट जाते ही नहीं है, कैपेसिटर की ब्रांच में करंट जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा उस समय। तो इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कुछ आने नहीं वाला, तो इफेक्टिवली कैपेसिटर के अक्रॉस 120/7 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो होगी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर। तो सी आपको दिया था कितना, 2 माइक्रोफेरेड इंटू 120/7 का होल स्क्वायर। समझ आ रही है ना बात, बात समझने की कोशिश करो भाई। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात कर रहा, अच्छा मैंने जीरो पे कर दिया क्या, अरे राम गड़बड़ कर दी, दूसरे डायग्राम में कर दिया है। अपन को तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे निकालना है ना, तो t जीरो पे मैक्सिमम एनर्जी नहीं होगी, बल्कि कहाँ होगी, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो देख लो, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें तो हमारे पास कैपेसिटर कहाँ है, कैपेसिटर इस ब्रांच के अंदर होगा। अब उसके अंदर करंट तो नहीं फ्लो कर रहा है, तो करंट सारा कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट यहीं से फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। यहाँ जीरो मान लो तो यहाँ आ जाएगा माइनस आई आर, और यहाँ आ जाएगा आपका 10 माइनस आई आर। तो ये हो गया आपका 10 माइनस करंट है आपका कितना, 30 वोल्ट का ये, 30 माइनस आई आर। तो 30 माइनस करंट है कितना, 10 एम्पियर इंटू 1 ओम का रेजिस्टेंस है यानी कि 20 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या आ गया, 20 वोल्ट आ गया। यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, 20 वोल्ट का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ कैपेसिटेंस 2 × 10⁻⁶ इंटू वी स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, 400 है ना, 400 माइक्रो जूल। समझ आया कि नहीं, 400 माइक्रो जूल हमारे पास आ जाएगी एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। अच्छा, इसी की जगह इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो पूछा जाए, तो देखो किस इंडक्टर के अंदर तो कभी करंट गया ही नहीं है, इस इंडक्टर के अंदर तो कभी करंट गया ही नहीं, तो इसकी बात कर रहे हैं बेसिकली। तो करंट यहाँ से चल के कितना आ गया है, 10 एम्पियर आ गया है। अब वो डिवाइड होगा 4 ओम और 4 ओम में, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 5 एम्पियर जाएगा। तो बेसिकली यहीं पे हमारा इंडक्टर है जिसको हमने कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया है, इसकी स्टोर्ड एनर्जी बस आपको लिख देनी है, तो वो हो जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी इंडक्टर के अंदर एनर्जी, हाफ एल आपको दिया गया है कितना है, 2 mH इंटू आई स्क्वायर 25। तो ये मिल गया हमें 25 mJ। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे आएगा दूसरे के अक्रॉस, भाई जब उसके अंदर करंट ही नहीं है, इस कैपेसिटर के अंदर करंट ही नहीं है, जब इस ब्रांच में कभी करंट गया ही नहीं है, तो कैसे आएगा। आप ऐसा सोचो कि कैपेसिटर के अंदर मैक्सिमम करंट कब होता है, t इज इक्वल टू जीरो पे, और इंडक्टर में कब होता है मैक्सिमम करंट, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। समझ आ रही बात, तो दोनों उल्टा काम करते हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो करे उस समय पे मैक्सिमम एनर्जी नहीं होती, कैपेसिटर पे मैक्सिमम एनर्जी होती है जब करंट फ्लो करना बंद कर दे, यानी t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। चार्जिंग का दोनों का सेम डायग्राम है अगर आप देखो तो, समझ आ रही बात, कैपेसिटर और इंडक्टर में दोनों में ही मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, लेकिन इंडक्टर में t इज इक्वल टू जीरो पर करंट होता है जीरो, जबकि कैपेसिटर में t इज इक्वल टू जीरो पर करंट होता है मैक्सिमम। तो उल्टा काम करते हैं, जितना करंट ये लाना चाह रहा है उतना वो हटाना चाह रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, तो ये ध्यान रखना आप, नहीं उसमें कभी करंट जा ही नहीं पाया, बात यही है, समझने की कोशिश करो। चार्ज कैपेसिटर तब होता है जब उसकी ब्रांच में करंट फ्लो करना बंद कर दे, क्योंकि वो मैक्सिमम चार्ज हो चुका है।
जबकि इंडक्टर चार्ज तब होता है जब उसके अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करे। तो दोनों के लिए ही, इंडक्टर के लिए फ्लो करता है मैक्सिमम इन्फिनिटी पे और कैपेसिटर के लिए बंद हो जाता है इन्फिनिटी पे, तो दोनों मैक्सिमम कब आए? इन्फिनिटी पे। है कि नहीं बात? बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है। चाहो तो एक और कर सकते हैं, करना है एक और? बोलिए एक और क्वेश्चन। ये लो चलो, कैपेसिटर और इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है सिर्फ। चलो मैं इसमें सब कुछ दे रहा हूं जो मैं दे सकता हूं। ठीक है ना? तो ये रहा अपना 40 वोल्ट या 1 ओम। वही बताना है सबसे पहले तो, करंट पिछले TWT का कुछ डाउट है बेटा? डाउट की क्लास तो अलग लगानी पड़ेगी, डाउट की क्लास तो अलग लगानी पड़ेगी। TWT में डाउट है तो वो व्हाट्सएप पे भेजो यार, मैं ट्राई करता हूँ भेजने का। कल सैटरडे संडे है तो संभव है कि समय मिल जाए। ठीक है ना, उस पर भेज देना, कल फ्री हूँ मैं, एक क्लास है बस सैटरडे को, तो कल भेज सकता हूँ। बाप रे बाप, कितने केस आए आज पता है? 50,000 केस आ गए लगभग, और 740 लोग भगवान को प्यारे हो गए हैं। क्या हो रहा है देश में? एक दिन में 50,000? टैलेंट तो है अपने देश का भाई। सही कह रहे हो, अब यूरोप चले जाना चाहिए, वो ज्यादा भला लग रहा है। हाँ, कोविड का केस और किसका केस आएगा एक दिन में? हाँ, ट्रिप कैंसिल हो गया था ना मेरा, किस्मत होती है।
ये लो भाई, सबने डायग्राम ऐसे ही बनाया था, t इज इक्वल टू जीरो और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी का। t इज इक्वल टू जीरो पर इंडक्टर की ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर की ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, t इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर को आप रिप्लेस कर दोगे कंडक्टिंग वायर से, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर को रिप्लेस कर दोगे कंडक्टिंग वायर से। तो देख लेते हैं, टी बराबर जीरो पे ये स्थिति है, सबसे ऊपर वाली ब्रांच में ऑब्वियसली क्या था, इंडक्टर था, तो उस ब्रांच में करंट नहीं गया। टी इज इक्वल टू जीरो पे इस ब्रांच में भी इंडक्टर था, तो इसमें भी करंट नहीं गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वन और वन पैरेलल में है, तो वो हो जाएगा आपका हाफ, हाफ और टू आपके सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास इक्वलेंट, हाफ और टू, टू इंटू हाफ अपॉन टू प्लस हाफ, कट गया। हाँ भाई, तो यहाँ आर इक्वलेंट हमें मिल जाएगा कितना, आर इक्वलेंट आपको मिल गया कितना, 2/5 ओम। तो हम करंट भी बता सकते हैं, करंट कितना निकल रहा होगा बैटरी से, तो आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40/2/5, ठीक है ना। तो करंट हमें टी इक्वल टू जीरो पर मिल जाएगा कितना, 100 एम्पियर। क्या बात है, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, आया था ये सबका। t इज इक्वल टू जीरो पर करंट आ रहा है, फाइव बाय टू आ रहा है, ये कितना है, ये हाफ है, और हाफ के साथ अच्छा सीरीज में दो है, 2.5 है, सही बात है, उल्टा लिख दिया। तो करंट क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो सिंपली 40/R इक्वलेंट हमें मिल गया कितना, 5/2, तो आई आ रहा है 16 एम्पियर, ये आ रहा है टी इक्वल टू जीरो पे। टी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें तो देख सकते हैं वन और वन पैरेलल में, तो कितना हो गया वो हाफ, हाफ और टू फिर से कितना हो गया, 5/2 ही हो गया। तो इसमें भी करंट कितना आ जाएगा हमारे पास, सेम आ जाएगा, आई की वैल्यू फिर से मिल जाएगी कितनी, 16 एम्पियर, ठीक है ना। अच्छा, उसमें ध्यान नहीं दिया, सही बात है। इसमें आपको ध्यान देना था किसके ऊपर, शॉर्ट सर्किट के ऊपर। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस 1 ओम के दोनों एंड्स एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हैं, तो ये 1 ओम आपका क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है। तो करंट जब यहाँ से फ्लो करेगा तो सिर्फ यहीं से फ्लो करके लौट आएगा। तो अब आर इक्विवेलेंट कितना है, 3 ओम है सिर्फ, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 40/3 एम्पियर। तो ये होना चाहिए था करंट टी इज इक्वल टू जीरो और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। क्लियर है, क्लियर है क्या? अच्छा, नीचे वाला भी तो वेस्ट हो जा रहा है, सही है, इसके भी दोनों एंड सेम है। अरे कहाँ ध्यान है भाई। तो
तो ये भी रजिस्टर क्या हो जा रहा है आपका, वेस्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ है, पूरा भयंकर शॉर्ट सर्किट हुआ है, दो रेजिस्टेंस वेस्ट हो गए। तो सिर्फ बचा आपके पास कितना, 2 ओम। तो करंट हो गया आपका कितना, 40/2 यानी कि 20 एम्पियर। अब ठीक है ना, 20 एम्पियर हो गया है आपका करंट, समझ आ रहा है? बस तो करंट कहां से फ्लो करके गया, अगर t इक्वल टू इंफिनिटी के लिए इसमें ड्रॉ करें तो बेसिकली करंट, ये पूरा वायर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, सारा करंट इसी में से फ्लो करने वाला है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस क्या हो चुके थे, शॉर्ट सर्किट हो चुके, ये ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो गई है, ये ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो गई है, तो सारा करंट सिंपली यहां से फ्लो करने वाला है, यानी कि हमारे इंडक्टर में से फ्लो करने वाला है t इक्वल टू इंफिनिटी पे, समझ आ रही है बात? तो अब आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम कितनी है। तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख लेते हैं t इक्वल टू इंफिनिटी पर। करंट हमें मिल चुका है कितना, 20 एम्पियर। ये 20 एम्पियर यहां से फ्लो करना शुरू कर रहा है, ठीक है ना। इस ब्रांच के अंदर तो कोई करंट जाने वाला है नहीं, तो साफ साफ आपको दिख रहा है यहां से रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा -IR, यहां 0 माना था मैंने, ठीक है ना। यहां 0 मानोगे तो यहां आएगा -20 -IR से, +40 यानी कि 20, और फिर से -IR, ये फिर से क्या हो गया, 0, क्योंकि ये तो पूरा एक कंडक्टिंग वायर ही है। तो अब हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 0। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी, 0। इंडक्टर में से कितना फ्लो कर रहा है करंट, तो 20 एम्पियर पूरा करंट फ्लो कर रहा है, तो इंडक्टर में एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी ½ L I² ठीक है ना। तो आ रहा है 800 मिली जूल। कोई समस्या, ठीक है। तो सर्किट ध्यान से बनाना है, मेरी वाली गलतियां नहीं करोगे, ध्यान से सॉल्व करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। आगे बढ़ जाएं क्या, क्लियर है तो बोलिए। सर्किट बनाना है, ऐसे काफी क्वेश्चन कर लिए हमने, आरसी सर्किट में भी कर लिए हैं, ठीक है ना। अभी एलआर सर्किट ही तो है, चलो आगे देख लेते हैं कुछ नया। तो अब है आपका, ये क्या था आपका, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर था। अब हम देखने वाले हैं क्या, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। तो डिस्चार्जिंग का मतलब जब इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी, फिर आप उसे एक टाउ निकालने का प्रोसीजर एक बार बता दें। चलो कर लेते हैं वो भी, वैसे तो सब रेपिटेटिव है। ठीक है, तो कर लेते हैं टू कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको याद होगा। तो जब भी टाइम कांस्टेंट निकालने की बात आएगी, तो आपको एक इंडक्टर दिया होगा, ठीक है ना, कुछ रेजिस्टर्स दिए होंगे और एक बैटरी दी होगी, ठीक है। तो मैं ये केस ले लेता हूं जहां आर दिया है, आर 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 एल, और ये वी वोल्ट की बैटरी है। आपको इस सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो स्टेप वन तो क्या हो जाता था, याद होना चाहिए सबको, स्टेप वन हो जाता था रिप्लेस बैटरी बाय अ कंडक्टिंग वायर। और स्टेप टू क्या हो जाता है, स्टेप टू हो जाता है कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अबाउट इंडक्टर। क्लियर है? तो सर्किट कैसा दिखेगा भाई, इंडक्टर के अक्रॉस मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो उसके अक्रॉस दो पॉइंट्स बना दो। ये अपना ए पॉइंट था अगर, और ये था पॉइंट अपना बी, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। रेजिस्टर्स को एज इट इज ड्रॉ करो, और बैटरी को रिप्लेस करना था कंडक्टिंग वायर से। कोई समस्या ही नहीं है, क्या आ जाएगा भाई आर इक्विवेलेंट, यहां से अगर आप देखते हो क्या मिलेगा आपको आर इक्विवेलेंट, ये हो गया R/2 R/2 + 2R यानी कि 5R/2। तो टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर हो जाता है L/R।
तो ये हो गया आपका इंडक्टेंस L बाय R, समझ आया ना। तो अब इसके लिए हम करंट का फंक्शन लिख सकते हैं, I बराबर I max, मैं पूरा अगर लिख दूं अगर आप चाहते हो तो I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम I max 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ, ये हमारा फॉर्मूला था। I max क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो वो है 5R बाय 2 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ, यानी कि 2L बाय 5R। क्लियर है क्या सभी को, क्वेश्चंस कराने की जरूरत है इसके ऊपर? भाई लोगों जल्दी जल्दी बोलो, थोड़ा बताओ। मेरे हिसाब से कैपेसिटर में कर लिए थे, फिर भी अगर किसी को लगता है कि जरूरत है तो मैं करा सकता हूँ क्वेश्चंस पर, वो टाइम पास ही होगा, आर इक्विवेलेंट निकालना। चलो तो अच्छी बात है नहीं बोला है लोगों ने। सर एक अच्छा क्वेश्चन दे दीजिए। बेटा इस पर अच्छा क्वेश्चन मैं दे ही नहीं सकता, इस पर अच्छा क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन होगा, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा। मैं क्या करूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन उठाऊंगा, उसमें कहीं भी एक इंडक्टर ठूंस दूंगा और आपसे कह दूंगा कि ये लो बस आर इक्विवेलेंट निकाल दो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने सारे क्वेश्चन कर ही लिए हैं जितने भी करने थे, है कि नहीं? तो समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपन अच्छी चीजें पढ़ेंगे। दो इंडक्टर हुआ तो उसमें समस्या हो जाती है भाई, दो इंडक्टर आपको दिया जाएगा तो फिर आपसे टाउ नहीं निकलवाएगा वो, ठीक है ना? या तो हमें दे देगा सीरीज में एकदम, तो हम उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ले लेंगे, लेकिन अगर उसने अलग अलग ब्रांचेस दे दी तो हर ब्रांच में करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, तो हर ब्रांच के लिए अलग आप निकालोगे, समझ रहे हो ना बात? पर वैसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, कभी पूछा जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, दो इंडक्टर तीन इंडक्टर डालने का। तो जनरली जब भी टाइम कांस्टेंट की बात की जाती है तो आप क्या करते हो, जनरली एक इंडक्टर को ही चार्ज कर रहे होते हो एट अ टाइम, है ना? तीन चार इंडक्टर को हम एक साथ चार्ज नहीं कर रहे होते, हो तो वो भी सकता है पर आपको इंडिविजुअली फिर सॉल्व करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काफी, तो इतना डीप में नहीं जाते। चलो अगली चीज है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सॉरी इंडक्टर। डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर या इसको उसको हमने ग्रोथ सर्किट बोला था, इसे हम बोलते हैं डिके सर्किट। तो अब तक आपको ये समझ आ गया कि इंडक्टर क्या है, एक डिवाइस है जिसके अंदर कि आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर रहे हो, ठीक है? तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, मान लो कि हमारे पास एक इंडक्टर है, एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? और यहां पे एक बाहर एक और रेजिस्टेंस है जिसे मैं बोल देता हूं आर। तो ये वी ले लेते हैं, ये स्मॉल आर ले लेते हैं, ये एल ले लेते हैं, ठीक है? तो मान लो कि स्टार्टिंग में तो आपने क्या किया था, इंडक्टर को चार्ज किया है पूरी तरह से। इस सर्किट को मैं ज्वाइन कर देता हूं और इसे मैं ओपन कर देता हूं, ये स्विच को मैं क्या कर देता हूं, ओपन। तो स्टार्टिंग में ये अगर ओपन है तो हम पहले इसे पूरी तरह से चार्ज कर लेते हैं। यार ड्राइंग अगर कंफ्यूजिंग लग रही है तो हम इसे मिटा ही देते हैं, ठीक है ना? ये लो, तो पहले मान लो कि आपने क्या किया है, वी वोल्ट से अपने इंडक्टर को चार्ज किया है। इस स्टेट में तो क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। तो जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको पता है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो करने लग जाएगा, कुछ ये सिचुएशन होगी, R, V और करंट इस समय जब फ्लो कर रहा होगा I, T बराबर इनफिनिटी पे, तो I की वैल्यू होगी V बाय R। ये मैक्सिमम करंट है जो कि इस ब्रांच के अंदर फ्लो कर सकता है कि नहीं? L, ये पॉजिटिव टर्मिनल बन चुका होगा इंडक्टर का, ये नेगेटिव टर्मिनल बन चुका होगा क्योंकि वो अपोज करना चाह रहा था इस करंट को, पर हाँ अब हम कह देते हैं कि वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। अब आप क्या करते हो कि इसी इंस्टेंट पर इस सर्किट को तो ब्रेक कर देते हो और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस लगा देते हो, यानी कि कुछ ऐसा, ठीक है ना? तो हम ऐसा कह देते हैं कि इसे तो हमने क्या कर दिया है, ओपन सर्किट कर दिया है, और इसे हमने क्या कर दिया है, इसी इंस्टेंट पे क्लोज कर दिया है। तो अब क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव बन चुका था, नेगेटिव बन चुका था, क्योंकि नीचे के सर्किट को आपने ओपन कर दिया है तो बैटरी ने करंट सप्लाई करना बंद कर दिया होगा।
समझ आ रही है ना बात। तो अचानक से इंडक्टर के अंदर इस समय पे कैसा करंट फ्लो कर रहा था, जस्ट पहले इसके अंदर मैक्सिमम करंट बड़ी शांति से स्टेडी स्टेट में फ्लो कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने सर्किट ओपन किया और उस सर्किट को क्लोज किया, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो करंट प्रोवाइड करने के लिए कोई सोर्स नहीं है। तो इंडक्टर के अंदर क्या होगा, अब करंट कैसे आए, बात यह है। तो इंडक्टर अपने करंट को इंस्टेंटेनियसली तो बदलने देगा नहीं, यानी इस इंस्टेंट पे जैसे ही आप स्विच बंद करोगे उसके अंदर अभी भी करंट क्या फ्लो कर रहा होगा, IMX फ्लो कर रहा होगा। ऐसा कराने के लिए वो क्या करेगा, वो खुद का करंट प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। समझ आ रही बात, क्योंकि वो अपने फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना चाहता है। तो अभी तक तो बैटरी उस करंट को फ्लो करवा रही थी, लेकिन जैसे ही सर्किट से बैटरी हटी अब करंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो उस चेंज को अपोज करने के लिए अब इंडक्टर क्या बन जाता है, आपकी बैटरी बन जाता है। तो इस सर्किट को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से, ये R, ये प्लस, ये आपका माइनस और ये आपका इंडक्टर। समझ आ रही है बात, इस तरह का आपका इंडक्टर बन चुका होगा। और ये क्या करेगा, अपने अंदर के करंट को अचानक से चेंज होने देगा नहीं। तो इसका EMF कितना होगा, EMF कितना होगा इसका, तो क्योंकि आप देख सकते हो कि आपने इसे V वोल्ट से चार्ज किया है, तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस भी EMF कितना आ गया होगा, V वोल्ट ही आ गया होगा। हम ये कह सकते हैं इतने का ही ये EMF अपने अक्रॉस जनरेट कर रहा होगा। किसी को कोई समस्या, ठीक है, तो बस आगे देख लो कैलकुलेशन कैसे होगी। किसी भी टाइम T पे आप सर्किट ड्रॉ कर दो, एट टाइम टी पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये रेजिस्टेंस R है, ये हमारा इंडक्टर है L, ठीक है ना, और कोई करंट I फ्लो कर रहा है किसी टाइम T पे I, ठीक है, इसे मैं प्लस मान लेता हूँ, इसे मैं माइनस मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब ऐसा सोच के देखो, यहाँ से हम अगर लूप लॉ लगाना स्टार्ट करें, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ से अगर आप लूप लॉ लगाना स्टार्ट करो, इस तरह से घूमना शुरू करो, तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले प्लस पे पहुंचे हो तो एल डी आई बाई डी टी, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया माइनस आई आर, ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे डी आई बाई डी टी कैसा है, नेगेटिव। क्यों है नेगेटिव, क्योंकि करंट डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस इसकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा होगा, जो भी मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर थी धीरे धीरे वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, ठीक है। तो हमें माइनस डी आई बाई डी टी लिखना चाहिए यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को, समझ आई ना बात। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। यहाँ से हमें मिलेगा एल डी आई बाई डी टी, ये हो जाना चाहिए माइनस आई आर, समझ आई बात। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये मिल जाएगा आपको एल बाय आई आर डी आई, ये हो जाना चाहिए माइनस डी टी। इसी पे मैं लिमिट लगाऊंगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट कैसा था, सेम ही था, मैक्सिमम जो था आई मैक्स, और किसी टाइम टी पे करंट घट के रह गया होगा कुछ आए, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर दो, क्या मिल जाएगा यहां से, ये मिल जाएगा आपको एल बाय आर एल एन आई बाय आई मैक्स इज इक्वल टू माइनस टी, या हम कह सकते हैं कि आई बाय आई मैक्स, यह हमें मिल जाएगा e की पावर माइनस टी आर बाय एल। आर को अगर नीचे ले जाऊं तो वही तो टाउ बन जाता है, तो देखो आई की वैल्यू आपको क्या मिल गई, आई आपको मिल गया आई मैक्स ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, जहां आई मैक्स क्या होगा, आई मैक्स होगा टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट इन इंडक्टर। क्लियर हो रहा है क्या सबको, तो समय के साथ वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो वही जैसे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही थी, सेम वैसी ही चीज है। कैसा ग्राफ बनने वाला है, ये टाइम टी आपका, ये करंट आई, तो टी बराबर जीरो पे तो करंट कैसा है, मैक्सिमम है, और देखो जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट लगेगा, सबको याद होनी चाहिए चीजें। एक टाइम कांस्टेंट में करंट घट के कितना रह जाता है, 0.37 ऑफ आई मैक्स, सब कुछ सेम है। कोई दिक्कत किसी को, आई बराबर हमें मिल गया है आई मैक्स ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, बताओ कोई समस्या है तो, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं,
ठीक है ना, ये मैं ले लेता हूँ वी नॉट, ये है आपका आर आर एल, ठीक है ना। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो स्विच एस वन इज ओपन एंड एस टू इज क्लोज, ये आपका एस टू है और ये एस वन है, ठीक है ना। टी इज इक्वल टू जीरो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हुए, ये चीज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी स्टेडी स्टेट आ चुका था पहले, जब एस वन से कनेक्टेड था, एस वन पहले बंद था लंबे समय के लिए, फिर एस वन को ओपन किया है और S2 को क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो आपको वही बताना है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, समझ आ रहा है ना। पहले S1 क्लोज था पर t इक्वल टू जीरो पर उसे बंद किया है, इसे खोल दिया है और इसे बंद किया है, तो देखो t इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो पहले ये सर्किट है सिर्फ, तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, सिंपली R इक्वलेंट आपके पास कितना होगा 2R, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा V नॉट बाय 2R। तो ये करंट पहले फ्लो कर रहा था कि नहीं, ठीक है, ये आपके पास पहले करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या किया है आपने, स्विच को ओपन कर दिया है, समझ आ रही है बात, आपने स्विच को ओपन कर दिया है और अब सर्किट सिर्फ ऊपर वाला बचा है, यानी कि ये सर्किट बचा है हमारे पास जहाँ ये R है, ये 3R और ये L। तो अब ये बैटरी की तरह काम करने वाला है। अच्छा टाव निकाल लेते हैं इसका, वो हो जाता है L बाय R इक्विवेलेंट, आपको साफ दिख रहा है L के अक्रॉस कितना है 4R। बस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा मैं, I बराबर हो जाएगा I max, ठीक है ना, 1 माइनस सॉरी I हो जाएगा I max e की पावर माइनस t बाय टाउ,
एल बाय फोर आर। कोई समस्या किसी को? बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो बस पहले वाले सर्किट से हमें आई मैक्स निकालना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जिसे हम कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। ठीक है ना, इसका रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग आएगा और इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। तो किसे बोला जाता है एलसी ऑसिलेशन? मान लो कि आपके पास एक कैपेसिटर था और एक इंडक्टर है, ठीक है ना। इस तरह की कुछ सिचुएशन है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कर दिया गया है, प्लस माइनस मान लेते हैं। इस पे इनिशियली चार्ज क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट था। कैपेसिटेंस इसका सी है, इसका इंडक्टेंस एल है, ठीक है ना। आप स्विच को बंद करते हो टी इज इक्वल टू जीरो पर। अच्छा, टी इज इक्वल टू जीरो पर सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में है? तो टी इज इक्वल टू जीरो पर सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही आप सर्किट बंद करोगे, अब आप देख सकते हो कि इंडक्टर के अक्रॉस क्या आने लगेगा? पोटेंशियल डिफरेंस आने लगेगा। इस कारण से क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी किसके अंदर फ्लो करने लगेगी? इंडक्टर के अंदर फ्लो करने लग जाएगी। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? मैग्नेटिक एनर्जी में। समझ आ रही है बात? जैसे इनिशियली अगर मैं आपको बोलूं इस सिचुएशन में, तो टोटल एनर्जी इज इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। दिख रहा है? जब आपने स्विच को बंद किया, धीरे धीरे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अच्छा, क्या डायरेक्शन होगी करंट के फ्लो की? तो ऑब्वियसली पॉजिटिव से फ्लो करेगा, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। अच्छा, लंबे समय के बाद क्या होगा? टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे रीच करने के बाद क्या होगा? तो आपको पता है इन्फाइनाइट टाइम में हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर कंप्लीटली क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बनेगा प्लस और यहाँ पे बन जाएगा माइनस। जहाँ इसके ऊपर चार्जेस हो गए होंगे क्या? जीरो। ये मैं बात कर रहा हूँ टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी की, और यह है आपका इंडक्टर। तो इस सिचुएशन में टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होगी? टोटल एनर्जी इज इन मैग्नेटिक फॉर्म। इस समय पर सारी की सारी एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर होगी। अच्छा, अब क्या होगा? क्योंकि अब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है और इंडक्टर पूरी तरह से चार्ज है, और हमें पता है इंडक्टर एक बैटरी की तरह काम करता है, तो अब इंडक्टर वापस से क्या शुरू करेगा? डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा। यानी कि अब करंट इस तरह से फ्लो करना शुरू होगा, और धीरे धीरे वापस से एक इनफाइनाइट टाइम स्पेंड होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वापस से सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में चली जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी, जहां Q नॉट माइनस Q नॉट आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर से इस तरह से। तो आप देख सकते हो करंट का बेसिकली क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है। एनर्जी का क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है। पहले आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट बहा, इंडक्टर पूरी तरह चार्ज हुआ, फिर क्लॉकवाइज करंट फ्लो किया, फिर कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हुआ, फिर इंडक्टर पूरी तरह से चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज होगा। कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता इसमें। ये इसी तरह से चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहती है, और ये क्योंकि एक ऑसिलेशन जैसा है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? एलसी ऑसिलेशन बोल देते हैं। यानी इंडक्टर और कैपेसिटर जो ऑसिलेशन कर रहे हैं, किसका? एनर्जी का या चार्ज का, उसे आप कह देते हो एलसी ऑसिलेशन। तो हमें यही पता लगाना है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या रहता होगा। देखो क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है पहले तो आपके पास चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दूसरा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तीसरा ये पूछ सकता है कोई कि कितनी एनर्जी किस समय पे कैपेसिटर में स्टोर्ड है और किस समय पे इंडक्टर में स्टोर्ड है। बीच में कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस आते होंगे जब कुछ अमाउंट में एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी और कुछ अमाउंट में एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में होगी। ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। बीच बीच में तो एनर्जी क्या हो रही होगी? डिवाइड हो रही होगी। वो तो इन्फाइनाइट टाइम के बाद क्या हो जाती है? पूरी तरह से कन्वर्ट हो पाती है, ठीक है ना। तो बस वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं जनरल टाइम ले लूंगा टी। हाँ, कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज था, सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में थी, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो हम क्या ले लेंगे? एट एनी टाइम टी यानी जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ है, तो मैं मान लेता हूं कि यह आपका कैपेसिटर है और यह आपका इंडक्टर है। तो इस पे चार्ज रह जाता है स्मॉल क्यू माइनस क्यू, ये ऑब्वियसली प्लस है, ये माइनस है। कुछ करंट फ्लो करने लग जाता है ब्रांच के अंदर आई। एनर्जी लॉस इसमें जीरो होगा बेटा, आइडियल केस लेके चल रहे हैं कुणाल हम।
आइडियल केसेस में इंडक्टर और कैपेसिटर कभी एनर्जी का लॉस करते ही नहीं है, इसलिए ये ऑसिलेशन इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ये हमें मान के चलना है, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है, पर अभी हम पड़ोसी को रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अच्छा, करंट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, मुझे ये बता दो जरा, करंट समय के साथ बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी से बता दो। अरे कैसी बातें कर दी यार, करंट समय के साथ बढ़ेगा या घटेगा, अरे घटेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है तो वो भयंकर करंट दे रहा है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी लूज होती जाएगी तो क्या करेगा, कम करंट देना शुरू कर देगा, तो वही चीज है। अच्छा, तो धीरे धीरे करंट घट रहा है, करंट अगर घट रहा है तो आपका इंडक्टर बैटरी कैसी बनाएगा, करंट अगर घट रहा है तो आपका इंडक्टर बैटरी कैसी बनाएगा, बोलो, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां से चार्जिंग स्टार्ट हो रही है, पोलैरिटी एक ही तरीके की है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, माइनस, और यहां पे क्या मिलेगा, प्लस। ऐसा क्यों हुआ, देखो करंट इस डायरेक्शन में घट रहा है तो उसे अपोज करने के लिए ये खुद की बैटरी कैसी बनाना चाहेगा, ऐसी बनाना चाहेगा कि नहीं बनाना चाहेगा, तो मैंने ये बना दिया बस। अब मैं क्या करूंगा कि जंक्शन लूप लो लगा दूंगा, यहां से घूमना मैं शुरू करता हूं। देखो कैपेसिटर को चार्ज किया, पोटेंशियल ड्रॉप क्यू बाय सी। अच्छा, करंट को क्या लिखेंगे, बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है ना, तो माइनस डी आई बाई डी टी आएगा। तो क्रॉस करके गए तो पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचे तो प्लस एल माइनस डी आई बाई डी टी, ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, समझ आ रही है बात। या फिर आप क्या कह सकते हो, माइनस साइन तो हमने इस पोलैरिटी से कंक्लूड कर ही लिया है, कहां गया, एक सेकेंड, वो सब मत सोचो, या तो वो हमने इंक्लूड कर ही लिया ना, मैंने पहले ही कंसिडर कर लिया कि करंट घट रहा है, इसलिए मैंने उसी हिसाब से पोलैरिटी बना दी है। अगर आप उल्टी पोलैरिटी बनाते तो फिर आपको उस तरह से लिखना पड़ता, माइनस डी आई बाई डी टी। यहाँ पे मैंने देख लिया कि करंट घट ही रहा है तो मैंने बैटरी उसी हिसाब से बनाई है, तो डायरेक्टली प्लस ही आ जाएगा, प्लस डी आई बाई डी टी, ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ये इक्वेशन क्लियर है क्या सभी को, मैंने सिर्फ लूप लॉ लगाया है, इसमें किसी को कोई डाउट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे बात, इसमें किसी को कोई डाउट है, मैंने कैसे लिखा है, सिर्फ लूप लॉ लगाया है, बैटरी की पोलैरिटी मैंने लेंज लॉ के हिसाब से बनाई थी बस। अच्छा, आई क्या होता है, आई होता है मेरे भाई डी क्यू बाई डी टी, उसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये आपको मिलेगा क्यू बाई सी प्लस एल डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है आपके पास डी टू क्यू by dt square into L plus Q by C is equal to 0, L से divide कर दो, ये basically लिखा हुआ है आपके पास d2q by dt square plus 1 by LC into Q is equal to 0। किसी ने देखी है ऐसी कोई equation कभी जीवन में, ऐसी equation कभी आपने देखी है, बिल्कुल सही विदित, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो ये है equation, डैम्प्ड कहां से आ गया भाई, यह है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती थी, वो होती थी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब भले वीकडे वालों ने पढ़ा नहीं है, पर यह मत कहना कि ये इक्वेशन भी नहीं पढ़ी है, ये तो पढ़ी थी आपने, एक्सिलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो पढ़ा था ना, एक्सीलरेशन क्या होता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यही वो इक्वेशन है। तो यहां मैं क्या कह सकता हूं कि चार्ज x की जगह पे क्या है भाई, x की जगह पे क्या है q, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि LC ऑसिलेशन में चार्ज परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंपेयर कर लो, ओमेगा इज इक्वल टू वन बाय अंडर रूट एल सी। किसी को कोई समस्या, तो यहां पे चार्ज क्या कर रहा है भाई, एस एच एम कर रहा है, जिसकी ओमेगा क्या है, वन बाय अंडर रूट एल सी है। तो ये हो गई एंगुलर, बेसिकली ये हो गई एल सी ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ आया। अब क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आ सकते हैं, आपको पता है कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे चार्ज का फंक्शन लिखना चाहूं तो चार्ज अब क्या हो जाएगा, क्यू आपको मिल जाएगा क्यू मैक्स
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। SHM की इक्वेशन लिख दिया मैंने, बस फाइव की वैल्यू बता दो क्या होगी। t इज इक्वल टू जीरो पे q है आपका q मैक्स, तो फाइव क्या होगा पाई बाय टू। q मैक्स मतलब एम्पलीट्यूड हो गया। अब आपको पूरा SHM में घुस जाना पड़ेगा भाई। q मैक्स क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड पे पार्टिकल कब होता है, जब फाइव होता है पाई बाय टू। तो q की इक्वेशन आपको मिली है q मैक्स cos ओमेगा t। यह है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ आ रही है बात। करंट बता सकते हो, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, तो I आपको मिल जाएगा क्या, q मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा t। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यही सारी चीजें हैं। एसी का केस नहीं है बेटा, डीसी करंट की बात कर रहे हैं ना हम। तो याद क्या रखना है मेरे भाई, कि x रिप्लेस होगा सारे फॉर्मुलों में q से। अच्छा करंट क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसे SHM से रिलेट करूं तो डिस्प्लेसमेंट हो गया है चार्ज, तो करंट क्या होगा, करंट होगा वेलोसिटी। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन पता है कैसे पूछेंगे, कि चार्ज जब रह गया 1/4 तो उस समय बताओ करंट कितना है। तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो कि करंट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्यू मैक्स का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को, ये फॉर्मूला SHM में था, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप पॉसिबिलिटीज देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। मैं आपको दे दूंगा कि चार्ज घट के हाफ रह गया, बताओ उस समय इंडक्टर में एनर्जी कितनी है। तो इंडक्टर में एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, करंट चाहिए होता है। चार्ज हाफ रह जाएगा, इस फॉर्मूले में रख के आप करंट निकालोगे, करंट से आप उसकी एनर्जी निकालोगे, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इस पे क्वेश्चन आए। समझ आ रही है बात। बिल्कुल एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं, पूरा SHM है भाई, पूरा SHM है। बस ये रट लो कि चार्ज जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, जो वहां पे करते थे सेम यहां पे। चार्ज का डिफरेंशिएशन करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होती है। बेटा हर्ष ये मैं पढ़ा चुका हूँ, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना ये मैं पढ़ा चुका हूँ। आपका जो SHM में बाकी है वो टाइम पीरियड बाकी है। टाइम पीरियड यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला है, स्प्रिंग ब्लॉक पुली वुली नहीं बनने वाली है। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला शायद आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ आपसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, कोई बता सकता है, सब बता सकते हैं। टाइम पीरियड होता है 2π/ω, तो 2π√1/LC, ये फॉर्मूला याद रखना होता है। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी पता है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, एक अच्छा क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी, वो हो जाएगी 1/2π√LC, सही ना, 1/f करना है बस। क्लियर है क्या, तो ये हो गई आपकी क्या, फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन आपसे कई बार क्या पूछ लेते हैं कि बताओ क्या हुआ, मैंने गलत लिख दिया क्या, डिवाइड करके कुछ 1/time period करना था ना। अच्छा ये हमने सही नहीं लिखा है, 2π/ω ये थोड़ी आएगा, ओमेगा तो अंडर रूट 1/LC है ना, सही है। तो डिवाइड करोगे तो अंडर रूट LC यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी आपके पास हो जाएगी 1/2π√LC। वो तो डिवाइड करने में गलती हो गई, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया है। क्लियर है सबको। तो क्वेश्चन आ जाता है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज इज एफ, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी इज, जल्दी से बोलो जल्दी से, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी इज
फटाफट फटाफट, कॉमन सेंस है, बता चुका हूं मैं, कोई नहीं बता पा रहा। अरे कोई तो बोलो, अगर चार्ज फ्रीक्वेंसी एफ से ऑसिलेट हो रहा है तो एनर्जी किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रही है? 2F। अरे चार्ज मैक्सिमम होगा तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पर जब चार्ज मिनिमम होगा तब तो मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो एक साइकिल में एनर्जी तो दो बार मैक्सिमम हो जाती है, चार्ज तो मैक्सिमम और मिनिमम होता है। बात समझ आ रही?